वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको पता चल गया होगा हम नीचे हैं, नीचे आज हम कर रहे हैं मेहंदी चैलेंज। तो मुझे कमेंट आया था कि आप अपने मेहंदी लगाते हो एक मतलब वीडियो बनाइए पूरी। तो मैंने कहा था मैं मेहंदी तो लगाती नहीं हूँ, बट ये जो है मतलब वो जो पेड़ पे नहीं आती है पत्ती, वो कलर वाली नहीं, नॉर्मल जो लगाता है और ताकि थोड़ा में ठंडक रहे, तो वो मैं इसके लगा रही क्योंकि मम्मी कल लेकर आ गई थी तो मैंने तो लगाने से मना कर दिया। वैसे मेरा ऑयली हेयर हो रहा था, मुझे आज वॉश करना है। तो दीदी ने कहा नीचे की सफाई कर दो, उसके बाद मेहंदी लगा दो, फिर नहाने चले जाना अपने आप। तो फिर ये भी सफाई कर रही है पीछे की, मतलब हम नीचे धुलाई वगैरह करते रहते हैं डेली की है ये धुलाई वहाँ। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी की आपको वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे। और अभी जो है हम सुबह उठकर नाश्ता वाश्ता करके सीधे नीचे ही आ चुके हैं। गाइस सफाई तो हो चुकी है, बट जिसके मेहंदी लगानी है वो ये रही ज़रा, और जिसके बाल काटने वो ये रही। तो अभी एक के पहले बाल काट देते हैं, फिर वो नहाने चली जाएगी, फिर इसके अब तक मेहंदी लगा देता, फिर ये नहाने चली जाएगी, फिर मैं चली जाऊँगी। अभी जैसी कटिंग हो चुकी है, अरे अभी तो बाल बहुत बड़े हैं और अरे हाँ तेरे से बड़े बाल रह गए गाइस, अभी तो इसके बाल रह गए बड़े बड़े से, देख तूने काटे कहने लग भी नहीं रहे बिल्कुल। तो कितने छोटे करा रहे हो पिछली बार जितने करे थे इतने इतने इससे थोड़े बड़े, ताकि बाल ना मुड़े ना ऐसे करके तभी छोटे। तो चलो फिर दोबारा काटते हैं इसके बाद। चुके और देखते हैं इसके जो बाल ज़्यादा छड़े ही लग रहे चुनते चुप काले नीचे रखे मेहंदी लगेगी। उससे पहले शेर साफ कर दूँ और आसपास ही सफाई कर दूँ क्योंकि बाल बाल हो रखे हैं, और अगर लग गए तो फिर खुजली खुजली हो जाएगी। तो अभी ऊपर जा रही है और इसके जब तक मेहंदी लगाते हैं। हमने इसके मेहंदी लगाई वो दी गई है ना राखी आई है आसपास, ये देखो इसका मुँह दिखा आपने, ये देखो मेहंदी बह रही है इस तरीके से पीछे दिखा, ये अलग अलग ये पूरे रेड रेड धब्बे दिख रहे हैं, गले में पोछा बांध दिया है, पोछे से पूरा मुँह इसका पोछा है। मैंने कहा पोछे का काम यही होता है पोछना। अभी जब मेरी कजन सिस्टर भी आ गई है, ये रही, तभी से बैठा देते हैं, सुखा देते हैं, धुलाई गई थी सब गंदा, कई बाल डला, कई मेहंदी डली, अब दोबारा साफ करते हैं उसको। अभी हम नीचे ही बैठे हुए हैं, हो सकता है थोड़ा कैमरा ब्लर आए क्योंकि हम एकदम कोने में जाकर बैठे हुए हैं। और देखो मेहंदी का कलर जो हाथ पर चढ़ गया, मतलब मैंने ना ब्रश से लगाने की कोशिश करी थी बट वो ब्रश से लगी नहीं, मतलब बहुत देर लग रही थी टूथ ब्रश से लगाने में, तो मैंने हाथ का इस्तेमाल करा और ली दिया और लगा दी इसके बालों में। और तो अभी जो हम दोनों छत ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस वजह से मम्मी भी आ चुकी है और सब लोग ऊपर है, पापा को छोड़ के उन्होंने को भी छोड़ के, सिर्फ तीन जने ऊपर है और हम ऊपर गए तो हमसे काम कराया जाएगा, इसलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे, हमें काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। रहा नहीं जा रहा है, बाल अपने अभी धोने लग गई है, देखो वन सू 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 सू, ये देखिए इस शख्स को, गौर से देखिए इस शख्स को जो अपने बाल धो रहा है, जिससे इतनी भी वो नहीं हुई, क्या कहते हैं जो भी है ना भाई। तो
गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर और आपको पीछे देख के पता चल चुका ही होगा येलो कलर और खत्म ऊपर ही होंगे। तभी जो बंशी गई है नहाने के लिए और मैं तक खाना खा लूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज खाने बने हैं पीले चावल और दही। तो ये दिखाएगा क्या करना मुझे, तो मैं क्या करूँ, पूजा करूँ तेरी? देखिए कैसे हुए, मतलब मुझे उन्होंने छाता नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मैं जाके नहा लेती हूँ और उसमें फ़ोन को ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ से वो भीगे ना। और अभी जो वो छाता लेके मम्मी के पास गए, नहीं ठीक है, मम्मी के पास नहीं गए, बाहर गए किसी काम से, तभी हम चलते हैं छत पर और चल के नहाते हैं। अभी जो है इस कुर्सी में बैठी हुई हूँ, तो ये जो इस पंकल के कपड़े रखे थे जो कि मैंने अंदर रख दिए हैं, मैं यहाँ पर आके बैठ चुकी हूँ मतलब सीक्रेट घर के अंदर, कि अगर ऐसे तेज़ बारिश होगी तो मैं चली जाऊँगी बाहर। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं अपना फ़ोन रखूँगी, तभी मैं मेरे बाल जो मैंने सुबह से ही नहीं बांधे हैं, सोचा था नहाने जाऊँगी तो तभी कर लूँगी, बट अभी तो मैं नहाने ही नहीं गई, बारिश आ गई अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहाने जाती तो फिर मेरे बाल ख़राब होते, तभी मैं बारिश दिखाती हूँ। बारिश काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो गाइस अभी पता आपको क्या हुआ, हमारे ट्रिप में जो बच्चा आता ना विकास नाम का, थोड़ी बारी तेज हो गई, थोड़ा पीछे करो कैमरा ठीक है, तो वो जो अपनी छत पे खड़ा होगा ऐसे हीरो की तरह खड़ा है, देखो ऐसे ठीक है, तभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको, हमारी छत से वो दिख रहा है, देखो वो बच्चा आपको दिख रहा है पीछे खड़ा हुआ, ये हमारे ट्यूशन का बच्चा विकास ही यहीं पर रहता है, वो देखो मुड़ गया हमारी तरफ भी, उसने भी देखा नहीं, वो कुछ बता रहा है शायद अपने पापा को। गाइस मैं छाते में शूटिंग कर रही हूँ, शूटिंग कैसा लग रहा है आपको? तेज हो चुकी है, ये देखो जो बारिश होना रुक चुकी है, मैं इतना मतलब इतना यार देखो वो बादल कैसे हो रहा है, देखो इतने मस्त बादल होने के बाद बावजूद भी यहाँ बारिश नहीं हो के दे रही है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब मैंने व्लॉग में बंद करा, थोड़ी देर बारिश हुई फिर एकदम रुक गई, इतना गुस्सा आ रहा है, ये देखो ये कैसे हो रखते हैं। 2-3 देख लो, ये वैसे कब तक चलने वाला है तुम्हारा, कब तक चलने वाला है तुम्हारा? मुझे दिख रहा है तो यहाँ से गाइस उन दोनों को तो मैंने ऊपर छोड़ दिया है, मैं खुद जा रही नीचे नहाने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, एक तरफ से आसमान उड़ने लग गया मतलब बादल जा रहे हैं, तो अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के अब फिर अपना नॉर्मल। तो गाइस अभी जो है मैंने अपने बाल काट लिया, मैंने हेयर स्टाइल करा है थोड़ा सा, मतलब ये हेयर बैंड लगा के अपने बाल थोड़े से आगे निकाल लिए हैं, तो वो सब छोड़ते हैं। और अभी जब ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं तो पहले उन्हें ट्यूशन पढ़ाते, लेकिन अभी जो दीदी असिस्टेंट पढ़ा रही, उसके बाद मुझे उन्हें साइंस पढ़ानी होगी, तो अभी दीदी असिस्टेंट पढ़ा लेती है, बाद में मैं जाऊँगी उन्हें साइंस पढ़ाने के लिए, तो मिलते हैं बाद में, थोड़ा इंस्टाग्राम पर वीडियो बना ली। तो गाइस अभी जगह आपको मेरी इंस्टा वीडियो देखनी है तो जाकर पिता मातू 08 पर मेरी आईडी में आपको मिल जाएगी, मेरे को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी है वो सब, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने सब्सक्राइबर है। और दूसरी बात, बाहर ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है और ये यहाँ पर अपना टेस्ट दे चुकी है, मैं अभी तक बाहर नहीं गई क्योंकि मेरे को साइंस पढ़ानी और वो सब अभी SST पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं अंदर ही बैठी हुई रील्स बना रही थी। ट्यूशन के बच्चे को पढ़ा दिया है और अब वो जा चुके हैं, मतलब अभी जो हल्की हल्की बारिश होना, ये देखो हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी है, मतलब जब से अभी तक धीरे धीरे बारिश ही हो रही है, रिमझिम रिमझिम सी, तो बच्चे जो ऐसी बारिश में ही चले गए थे या हमने भेज दिए जो भी कहें, ठीक है। तो अब जो है पापा घर पे आ चुके हैं, खंदा खाने में जो हमने दाल बनने रखी थी, मम्मी ने उसकी जगह उसे सांभर बनवा दिया, मतलब लौकी डलवा दी उसमें, और यूँ कहा कि अब सांभर बनाया जाएगा और इडली बनाई जाए, या चली गई मैंने शूट करना शुरू करा, तो जो मम्मी जो है मुझे कुछ बोलने लग गई थी कि मैंने नॉन स्टॉप मतलब बोले ही जा रही हूँ ना आपको, इस वजह से कोई बात नहीं, सोच चलता है। मैंने वीडियो के लिए कमेंट तो करेंगे, हाँ मैंने Q&A आप वीडियो के लिए आपको बताया था, तो मैं अभी आपको अपने फैमिली मेम्बर गाइस देखो मेरे बाल, अगर आपको मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट में जरूर जल्दी था, कौन है सूरज, अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में बना देते, पूछिएगा अपने।
बारे में बताओ। बताइए अच्छी ठीक है। और अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरी मम्मी लिखकर क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मेरे पापा अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। कर्ज ब्लॉग मैन से, लेकिन अगर आपको दीदी से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे निक्की लिखकर, दीदी का नाम निकिता है बट निक्की या निकिता लिखकर आपको एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा दीदी के लिए, और मैं दीदी उसका आंसर देगी ठीक है। और जैसे मेरे पास 120 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 20 क्वेश्चन आ जाएंगे मैं तभी क्या नहीं वीडियो बना दूँगी ठीक है। सब देख रही हूँ मैं, सब नीचे आ चुके हैं वो भी इस वजह से क्योंकि ऊपर ही इडली सांभर बनाए हैं तो भगोने में पेस्ट रखना है, तो भगोना ढूंढने के लिए हम नीचे आए हुए हैं, तब भगोना ढूंढते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर इडली सांभर रेडी हो चुके हैं और ये बैठ भी चुकी है सम मोर इडली सांभर, ये देखिए। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को करिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं इस वीडियो में ही बता रही हूँ, अगर आपको मेरी फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को क्यू एन ए वीडियो में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं क्यू एन ए वीडियोस बनाऊँगी। अगर मेरे को 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की तरफ से तब मैं जाकर क्यू एन ए वीडियो बनाऊँगी, नहीं मिले तो फिर नहीं बनाऊँगी। मैं आके आ चुकी हूँ और चिंकी दीदी आ गई।